इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉइड फोन को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, किसी भी मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए जिस पर आप सीसीटीवी को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप अपने मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसमें सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि किस तरह आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है आईपी वेबकैम। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके सिंपली सर्च करना है आईपी वेबकैम, फिर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे की साइड एक स्टार्ट सर्वर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा जिसपे आपको एक आईपी एड्रेस दिया होगा, जहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर ये रहा। अब आपको ये आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में एंटर करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली एंटर मार के इस आईपी एड्रेस को ओपन करना है। जैसे आप इस आईपी एड्रेस को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आईपी वेबकैम का एक पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक वीडियो रेंडर का और एक ऑडियो प्लेयर का। तो आपको सिंपली वीडियो रेंडर के फ्लैश पे क्लिक करना है। जैसे आप फ्लैश पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है वो सीसीटीवी कैमरे की तरह काम कर रहा है। उसके बाद आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे की साइड रिकॉर्डर कंट्रोलर के पास आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको मैनुअल पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनुअल पे क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप इसे स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, ये वीडियो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को सीसीटीवी कैमरे की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।